Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sri Sanu, and you are watching Sanu on Stop the Cast. I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है शेम इरानियन मिसाइल अटैक बिकम अ सेल्फी स्पॉट इन इसराइल फेस टू फेस के चैनल से ये मैंने वीडियो लिया है. काफी टाइम से जो है वो इस चैनल की सजेशन आ रही थी कि इस चैनल से वीडियो लेके आए. ये बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकी होती है. लाइक जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो वीडियो बनाते हैं और बहुत ऑथेंटिक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनकी होती है. तो जस्ट लाइक दैट इनकी भी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है. जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर्स के ऊपर ये जो है वो बात करते हैं. तो अभी जो है ना ईरान के मिसाइल जो है वो उन्होंने अटैक किया इसराइल के अंदर. अभी वहां पे जो है वो लोग उन मिसाइल्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं. आप सबको पता है कि जो है इसराइल के ऊपर एक ऐसा उन्होंने जो है वो पूरी अपनी जो कंट्री है उसके ऊपर जाल बिछाया कि कोई भी मिसाइल आएगा तो उनको हार्म नहीं इतना वो पहुंचाएगा. ठीक है, तो देखते हैं ये मतलब क्या हमें फेस टू फेस के चैनल से जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है. तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाएगा. इस टाइम जो आपके सब्सक्राइब की आपके शेयरिंग की बहुत ज्यादा जो है वो आवश्यकता है, जरूरत है मुझे. ठीक है, बिकॉज आपको पता है ना स्ट्राइक के बाद चैनल काफी डाउन चला जाता है. तो शेयर जितना हो सकता है ना वीडियो को प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा. तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. अपनी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भाई शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दो. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. साहब ये यार ये लेकिन ये गलत कर रहे हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता. वहां के लोगों ने इसको, अब हम सैटेलाइट इमेजिनरी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं. दिल थाम के बैठिएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम ये तबाही पूरी आपको नहीं दिखा सकते. दिल थाम के बैठिएगा, बच्चों की आंखें बंद कर दीजिएगा, बड़े बुजुर्ग भी ये सीन ना देखें. साथियों सेल्फी तो आप सब क्लिक कराते होंगे, सेल्फी का शौक सबको होता है. भैया लोग तो जान देने लगे हैं सेल्फी क्लिक कराने के लिए. पर क्या आपने कभी दुश्मन के छोड़े हुए मिसाइल के साथ सेल्फी क्लिक होते देखी है? असंभव है, नहीं देखी होगी. बड़े बड़े वॉर वेटरन्स ने नहीं देखी होगी, बड़े बड़े वॉर फोटोग्राफर्स ने नहीं देखी होगी जो कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हैं कि साहब छोड़े हुए मिसाइल के साथ सेल्फी. पर एक ऐसा दुनिया में देश है जहां ये सेल्फी क्लिक होती है, वो देश है इसराइल. तो इन तीन के मिसाइलों पर आज विश्लेषण करेंगे, इसराइल और ईरान के युद्ध पर विश्लेषण करेंगे. और मैंने दो तीन दिन पहले ही बताया था कि भैया अगर आप बताते हो कि भीषण नुकसान हो गया, भीषण, तो भैया कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट इमेज तो आती होगी ना जो नुकसान को दिखाए दर्शाए. तो भैया मुंह की बोली बात, वो सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गई, तो उस सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करेंगे. तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो पहला विश्लेषण हमारा सेल्फी पर. ये देख रहे हैं ये साहब जो आयरन डोम ने, इनके डेविड स्लिंग ने या एरो वन एरो टू ने जो मिसाइल मार मार गिराए हैं उसका ये तस्वीर है. साहब ये यार ये लेकिन ये गलत कर रहे हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता. वहां के लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट बना लिया, वहां के इसराइल के बाशिंदों ने इसको सेल्फी पॉइंट बना लिया और परिवार के नहीं परिवार है। जा रहे हैं वहां पे सेल्फी क्लिक कराने के लिए कि इसराइल इसे पूरे इलाकों को चाय का कप पकड़ के और वार्निंग दे रहा है कि आप इस तरह के मिसाइल्स के पास ना जाएं, कोई भी एक्सप्लोजिव या कोई भी केमिकल रिएक्शन के तहत आप उसको टच करेंगे तो आपको कोई ना कोई हेल्थ हैजार्ड हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए. अब जब आप इन मिसाइल्स को देखते हैं तो ये तो आपको पता चलता है कि ये जहां पर इस टाइम पड़े हैं ये वहां नहीं गिरे हैं, 100 200 300 मीटर दूर गिरे होंगे, पर लुढ़कते फुड़कते लहराते मचकाते आके यहां पर रुके होंगे फाइनली. तो भैया ये वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो आयरन डोम इनके मार मार कर गिरा रहा है. आयरन डोर किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बता चुका हूं, पर एक चीज और रह गई थी वो बता दूं कि जब इनके एरो वन एरो टू डेविड स्लिंग आयरन डोम जब इसको अटैक करता है आने वाली मिसाइल को, तो इस मिसाइल के आगे जो वॉर हेड लगा होता है जिसको आप एक्सप्लोजिव बारूद बोल सकते हैं, इसको वो ऊपरी हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. मैं भी इसकी बात कर रही हूं. तो मिसाइल अगर इस ट्रांजेक्टरी में जा रहा है और नीचे से कोई रॉकेट लगा तो वो पलट के कहीं और भी तो गिर सकता है. तो ये जो करता है ये हवा में ही इस रॉकेट का जो पेलोड है, जो वॉरहेड है,
जो इसका बारूद एक्सप्लोजिव है उसको ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बाकी जो हिस्सा होता है, फ्यूसलाज हो गया या और इसका ट्रिगर हो गया, वो आकर जमीन पर गिरता है। ये आप लोग इतनी सिंपल भाषा में समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता होगा, बाकी बहुतों को ये बात पता होगी। अब जब वो आके गिरता है, उसका कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर सकता। और आम तौर पे गिरता कब है, गिरता कहां है, उसी डायरेक्शन में गिरता है जिस डायरेक्शन में वो शूट कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, रिवर्स डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं। और जब भी हवा में ऊपर जाके कोई भी चीज डिसइंटीग्रेट करती है, टूटती है, चाहे वो किसी प्लेन में ब्लास्ट हो, चाहे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कोलंबिया में ये ब्लास्ट हुआ हुआ समझाने के लिए, तो हवा में एल्टीट्यूड पे टूटने के बाद इनके टुकड़े बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये नहीं कि मिसाइल को आपने एक जीपीएस पे हिट किया तो पूरा मिसाइल वहीं गिर जाएगा, 2, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे जाके उसका फ्यूसेलाज यानी जहां उसका फ्यूल भरा हुआ है या उसका ट्रिगर गिरेगा। जो उसका एक्सप्लोजिव वॉरहेड है वो आप हवा में डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। क्लियर है इतनी तक, इतनी बात। अब जब ये हवा में हिट होने वाले मिसाइल इधर उधर जाकर इसराइल के लोगों पर गिरते हैं, तो जो भी आप डैमेज आपको बताया जा रहा है, डैमेज हो रहा है वो इन टुकड़ों से हो रहा है, वो एक्सप्लोजिव या वॉरहेड या टेक्निकली उस मिसाइल से नहीं हो रहा है जो बताया जा रहा है। ये फर्क समझिएगा आप। अब इतना बड़ा टुकड़ा आप देख रहे हैं, हैं? इतना बड़ी चीज जब आकर जमीन पर गिरेगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा। फिलहाल एक आदमी मरा है, फिलहाल 181 रॉकेट में एक आदमी मरा है, और वो बेचारा वेस्ट बैंक का कोई पैलेस्टीनियन मार दिया इन लोगों ने, वो भी डायरेक्टली नहीं मारा है, वो इस चीज से मरा जब डैमेज होने के बाद ये नीचे गिरी है। तो ये चीज जब नीचे गिरती है और किसी घर को, किसी बिल्डिंग को या किसी को मारती है, तो लिखने वाले लिखते हैं कि ईरान के मिसाइल से ये डैमेज हुआ, ईरान के मिसाइल से ये 3 लोग मरे हैं। हकीकत ये है वो टेक्निकली स्पीकिंग या एकेडमिकली स्पीकिंग वो मिसाइल से नहीं मरे हैं, वो वॉरहेड एक्सप्लोजन से नहीं मरे हैं, वो किसी लोकेशन पे नहीं मरे हैं, वो मरे हैं हिट होने के बाद जो इधर उधर बौखलाया हुआ ये मिसाइल जाके गिरा। जैसे कि जितने भी मिसाइल गिरे, ये भी हो सकता था जहां ये गिरे हो वहां से कोई कार जा रही हो, जैसे लाइटनिंग 1,00,000, 1 करोड़ में से एक टाइम किसी को हिट कर देती है, उसको ये हिट कर दे तो लोग कहेंगे साहब ईरान का मिसाइल जाके फरानी बस पे लगा और उस बस में 10 लोग मर गए। ये है इसकी टेक्निकल थ्योरी। अब हम आते हैं निविटम एयरबेस। निविटम एयरबेस जो इसराइल का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, वहां पर भी हिट किया है। ये वो ही एयरबेस है साथियों, याद होगा जब पहले 300 टीन के डब्बे फेंके थे तो इसी एयरबेस पर जाके गिरे थे, जिसमें 6 या 7 एयरबेस के बाहर गिरे थे और एक अंदर गिर गया था जिसमें एक इजरायली हलाक हुआ था, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपको बताया था। अब हम सैटेलाइट इमेजिनरी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं और ये हम आपको निविटम एयरबेस की सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं जो एक हैंगर को नुकसान पहुंचा है। तो अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, एक हम मुंह बोले एक्सपर्ट बन चुके हैं इस टाइम सैटेलाइट इमेजनरी में। अब ये जितने भी आप हैंगर देख रहे हैं, हैंगर जो आप देख रहे हैं, इसमें बीच में एक हैंगर की छत टूटी हुई है, छत में छेद हो गया है। मानो किसी ने बहुत भारी चीज ऊपर से दे मारी हो उसके ऊपर। जब ये मिसाइल का कोई टुकड़ा अंदर गया है, मिसाइल तो नहीं गया है, क्योंकि अगर मिसाइल जाता तो ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता और अगल बगल सारा तितर बितर हो जाता। जब मैं ऑन अ सीरियस नोट सैटेलाइट एक्सपर्ट्स को सुन रहा था तो वो भी ये बता रहे हैं कि अगल बगल बहुत सी डेबरी फैली हुई है, यानी टूटे हुए टुकड़े फैले हुए हैं, और ये छत को तोड़ता हुआ मानो बहुत बड़ा गुम्मा मार दिया हो ईरान ने, ये इस हैंगर में घुसा है, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ है। वो पूरा ब्लास्ट जब होगा, पूरी वो डैमेज होगी, क्योंकि उस कॉन्क्रीट का ब्लास्ट इतना हार्ड होता है
कि वो ट्रिगर को ऑन कर देता है। यहां पर छत को तोड़ता हुआ लोहे का ब्लास्ट ही नहीं हुआ तो ये भी भैया मिसाइल नहीं है, ये भी वो वाला मिसाइल है जिसका वॉरहेड ऊपर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और नीचे लोहे का फ्यूसेलाज या उसका ट्रिगर का जो पोर्शन होता है पीछे का पोर्शन वो आकर धम देनी इनके इनके हैंगर पर बाई चांस गिर गया है। इसीलिए गिर तो गया है, छत भी तोड़ दी है, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ है। ओके। और आप अगर गौर से बगल में देखें तो इनके दूसरे फाइटर प्लेन अभी भी उनके हैंगर में खड़े हुए हैं। F-35 को जाहिर सी बात है ये लोग अंडरग्राउंड हैंगर्स में रखते होंगे। तो पहले वाला ब्लास्ट और ये वाला ब्लास्ट, ये ब्लास्ट नहीं है। ब्लास्ट होता तो आप लोग समझ रहे हैं पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती। ये भारी सा लोहे का टुकड़ा ऊपर से धुम देनी आकर इनके एक हैंगर के ऊपर गिर गया, जिसकी फोटो को बताया जा रहा है कि इसराइल के मिसाइल ने मारा है, ईरान के मिसाइल ने मारा है। तो भैया कॉमन सेंस भी अगर होगी मेरी तरह, मैं फिलहाल सैटेलाइट इमेजिनरी एक्सपर्ट बना हुआ हूं पर इस चीज के लिए सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए कि इसको आकर रॉकेट के किसी पीछे के पोर्शन इसके ऊपर गिरा है, बल्कि रॉकेट ने इसको मारा नहीं है। इसी तरह का एक दूसरी बिल्डिंग को मैंने देखा जहां पर ईरान ने हिट किया है इसराइल, वहां मैं मानता हूं बहुत तबाही मची है। दिल थाम के बैठिएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम ये तबाही पूरी आपको नहीं दिखा सकते। दिल थाम के बैठिएगा, बच्चों की आंखें बंद कर दीजिएगा, बड़े बुजुर्ग भी ये सीन ना देखें क्योंकि बड़ा दिल दहलाने वाला है। यार ये अंकल कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जो एक पब्लिक बिल्डिंग पर किस तरह से इसराइल ने, किस तरह से ईरान ने अपना रॉकेट अटैक किया और कैसे उस बिल्डिंग को निस्तनाबूद कर दिया। नजारा फरमाएं झाड़ू लग रही मतलब ऐसा डिजास्टर हुआ कि झाड़ू लग रही है। यहां पर भी वही केस हुआ है जो मैं स्टडी करके लाया हूं कि यहां ब्लास्ट नहीं हुआ है, यहां पर भी पीछे का टुकड़ा धुई देनी आगे किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर गया है। तो मैं इसराइल को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक आज राय देना चाहता हूं एज ए वॉर एक्सपर्ट। मैं ये चाहता हूं कि इसराइल एक ऐसी चीज इजाद करे पेट्रियॉट मिसाइल के साथ और एरो मिसाइल के साथ और आयरन डोम के साथ कि जब वो हिट करे तो उसमें एक पैराशूट निकले एक पैराशूट खुले और वो पैराशूट उस मिसाइल को लपेट ले आराम से नीचे गिरा दे ताकि हिट करने के बाद जो मिसाइल का पिछवाड़ा है, मतलब पिछवाड़े का मतलब फ्यूसलाज बदतमीजों समझ लिया करो बात को, तो जो मिसाइल का पिछवाड़ा है वो पैराशूट से धीरे धीरे नीचे गिरे ताकि किसी को चोट ना आए, किसी के घर के शीशे ना टूटे और किसी एयरफोर्स बेस की छत ना टूटे जैसे इन सारे केसों में टूटी है। तो ये तो था मेरा एनालिसिस बतौर सैटेलाइट इमेजिनरी एक्सपर्ट एंड सैटेलाइट एक्सपर्ट। बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मेरे ऊपर और फिर मेरे भाई मुझे गाली देते हैं, इतने पते की इनसाइट देता हूं फिर भी मुझे अफसोस है कि इनकी अकल में मेरी बात नहीं घुसती। जय वंदे मातरम। ओके गाइस, तो ये थी सारी वीडियो, काफी अच्छी थी, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इतनी बातों का सीरियसली मुझे नहीं था पता, मुझे इन साहब से, इन अंकल से ही पता चला है। ठीक है अंकल, मतलब बाद में स्ट्राइक ना भेजे, नहीं नहीं इस सर से पता चला है। ठीक है, तो ये जो सर है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यार, मतलब लाइक मुझे नहीं था पता कि आयरन डोम जो है वो इतना जिसे कहते हैं पावरफुल है, वो हवा के अंदर ही मिसाइल फूस करके, ठीक है, फिर उसका जो बाकी का होता है ना टुकड़ा वो नीचे गिर जाता है, किसी का कांच टूट जाता है, किसी के शीशे टूट जाते हैं और वो झाड़ू फेर के सफाई वाला सीन तो वो बहुत ही एपिक था। और यहाँ पे बताया जाता था पाकिस्तान मीडिया के अंदर के वहां पे डिजास्टर हो रहा है, उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, इजराइल नक्शे से खत्म, ब्ला ब्ला, ठीक है। और हम यहाँ पे डरते थे, ओ अच्छा आयरन सॉरी ईरान ने जो है वो इतना बड़ा डिजास्टर कर दिया ये वो, बट खोदा पहाड़ निकली चूही, वो वाला हिसाब हो गया। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, काफी जिसे कहते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भी दिखाई गई और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी यू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।